तो गजब हो गया, सेंटर का नाम ही बदल गया। एंड गाइज, दिस इज नॉट अ वीडियो, दिस इज अ चैलेंज विच आई मेड विद माय सेल्फ, सो लेट्स गो। हाँ, ओके। बहुत गुरूर है दरिया को अपने होने पर, जो मेरी प्यास से उलझे तो धज्जियाँ उड़ जाए। खुद के साथ ये चैलेंज किया हूँ कि मैं सातों के साथ सेंटर पर जाऊँगा, एक साथ जाऊँगा, एक वीडियो में जाऊँगा, एक बार में जाऊँगा, ठीक है। तो मेरा ये काम है, आपका काम है कि पूरा का पूरा वीडियो को देखना है, राइट। तो आज हम लोग जा रहे हैं सगुना मोड़ के बाद जो भी सेंटर्स हैं उस सेंटर पे हम लोग विजिट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्त, मैं अभी बाहर निकल रहा हूँ, महावीर मंदिर इधर सामने है, इधर से मैं इस तरफ से निकल रहा हूँ। ये बस है जो दानापुर जाती है, देखिए है ना, सगुना मोड़ दानापुर लिखा हुआ है ना, तो वो बस जाएगी लेकिन सब बहुत धीरे धीरे जाती है। हम लोग पहले पता करते हैं कि ऑटो कहाँ मिलेगी। ये बस इलेक्ट्रिक बस थी, ठीक है, वो भी देखिए दोस्तों, बेली रोड, दानापुर, सगुना मोड़, ये सब सब एक ही चीज़ जाती है, एक ही बस को, एक ही ऑटो। जंक्शन के पास जो टेम्पो स्टैंड है वहाँ पर हम लोग आए हैं पता करने सगुना मोड़ वगैरह का जो ऑटो है कहाँ पर मिलेगी। बे सगुना सुनिए ना, सगुना मोड़ कौन ऑटो जाएगी, सगुना मोड़ जाना था, वहाँ सेंटर है, ऑटो नहीं जाते हैं, डायरेक्ट जाएगा, सवारी रहेगा तो भाड़ा 30 रुपया है डायरेक्ट सगुना का, ठीक है। लेट्स गो, किसी बस पर चढ़ते हैं, अपना सेंटर की तरफ जाते हैं। अंकल सगुना मोड़ जाते हैं ना, अभी साथ ही आदमी जाता है तो ही मन लगता है। हम बैठ जाए, सो हे गाइस, फाइनली हम लोग सगुना मोड़ पे आ चुके हैं। सगुना मोड़ समझ रहे, इतना सारा ऑटो है, आप इनसे पूछिए जहाँ भी सेंटर आपको जाना है, सेंटर का नाम लीजिए, ओके, वो आपको पहुँचा देंगे, है ना। हाईटेक हॉस्पिटल है ना, इसी के बगल से यहाँ से रोड गुजरती है, रोड में घुसना है हम लोग को। यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी है, देखिए भीड़ में है ना, सगौर इन्फो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, यहाँ से हम लोग इधर मुड़ेंगे, हाईटेक हॉस्पिटल है समझे। और ये देखिए आपका सगौर इन्फो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर है, इधर बता रहा है हम लोग इधर जाना होगा। दोस्तों ये नायक पैलेस है, इसी में हमारा सेंटर है, सगौर इन्फो ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर। तो देख सकते हैं आप आ गए हैं, और क्या दिखाऊं, टूलेट भी है, 2 BHK फ्लैट लेना है तो ले सकते हैं ना, क्यूरियस, इतना बड़ा बोर्ड है, देखिए बगल से रोड है ना। इतना बड़ा ये बहुत बड़ा लैंडमार्क है साहब, लैंडमार्क गोल्ड, ओह माय गॉड। ये देखिए ये आपका वायर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, मैंने वायर ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर भी देख लिया, ओके। अब मैं बस यू टर्न लेकर के अब मैं आगे मेन रोड पे चला जाऊंगा। दोस्तों हम लोग यहाँ पर हैं टायर वाला के पास, ये देखिए हमारा एजुकेशन जोन है, संगीता TVS के ऊपर दिख रहा है आपको,
यही है एजुकेशन जोन। ओके, निशांत हॉस्पिटल है और अपना ये सेंटर है। ठीक करता है, बोर्ड लगाता है ना, ठीक करता है। वायर ऑनलाइन का कोई बोर्ड नहीं था, इसमें बोर्ड है। देख रहे हैं ना कैसे कैसे में आया, लेफ्ट मुड़ गया, सामने दिख रहा है स्काई मून, विजय विहार कॉलोनी, आगे है अपार्टमेंट श्री वैष्णवी वाटिका। LTD AMR IT Solution PVT LTD Online Examination Center इधर है, ये सेंटर है हमारा। तो यहाँ से हम लोग अब राइट लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। कौन सेंटर मालूम है ना, अभी जाना हम लोग को, कौन सा जाना है, कौन सा जाना है, नोबटेक ना गाइस। यहाँ पीछे मेरे दिख रहा होगा, क्या कुछ दिख रहा है, क्या मुंडेश्वरी नहीं दिख रहा है, है ना। तो यहीं से लगभग 400-500 मीटर और है नोबटेक एग्जामिनेशन सेंटर, तो हम लोग जा रहे हैं पैदल, है ना। तो देख रहे हैं ना, हर एक सेंटर पर मैं खुद जा करके विजिट करके मैं आपको सारा सारा सेंटर से मैं रूबरू करवा रहा हूँ। कितने का खिलाते हैं भैया, कितने का है मिल्क शेक? 2540। दोस्तों ये आपका त्रिभुवन मोड़ है, और होली मिशन सेकेंडरी स्कूल भी इधर है। यहाँ पर सेंटर दिया हुआ है अपना का सुदम्या, क्या है, हाँ सुदम्या कॉम्प्लेक्स नियर त्रिभुवन मोड़। तो त्रिभुवन आईटी पॉइंट है गाइस, समझे। तो ये आपका सेंटर है, मैं दिखा देता हूँ अच्छे से, ग्रेट। और पता नहीं वो सेंटर कहाँ पर है नोबटेक। अच्छा आगे मिलेगा, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, ये आपका त्रिभुवन आईटी पॉइंट ऑनलाइन एग्जामिनेशन सेंटर, नया नया लिखा हुआ है ना, हमको लगता है वही सेंटर है शायद, नहीं नोबटेक, और उसका नाम शायद बदल दिया। देखिए ना, ये भी सब कुछ नया है, दोनों बोर्ड नया है, और लगता है एक बोर्ड और रखा हुआ है। ये सेंटर अच्छा है, नया नया बना है, तो गाइस यहाँ मज़ा आने वाला है, ऐसे सब कुछ रहेगा। देख रहे हैं ना, इसके बारे में क्या बताऊँ अभी, कुछ सामने देखिए, सामने एक मोर हाउस है, है ना, मोर हाउस, तो इसको आप थोड़ा सा ले सकते हैं, बाकी कुछ ज़्यादा खास दूर नहीं है साहब। सगना मोड़ के पास बैठिएगा, दक्षिण मतलब कि जो दानापुर रेलवे स्टेशन के जो ऑटो जाती है उस पर बैठिएगा, बोलिएगा कि हमको त्रिभुवन मोड़ या त्रिभुवन आईटी पॉइंट सेंटर के पास जाना है, वो उतार देगी, तो सामने रोड पे, इसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन आपको रोड यहाँ पर टूटा हुआ नहीं रोड है, तो आपको त्रिभुवन मोड़ के पास ही उतरना पड़ेगा, समझे। तो वहाँ से उतर के 2 मिनट में यहाँ पर आना पड़ेगा, ठीक है। तो यही है, अच्छा सेंटर है, मज़ा आ रहा है यहाँ पर आकर के, है ना। तो 6 सेंटर कंप्लीट हो गया हमारा, अब 7वां बचा हुआ है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। असुदम्या कॉम्प्लेक्स यही है, ओके ना, तो यही त्रिभुवन है, हमको लगता है नोबटेक है ना, चेंज हो गया है, ओके, मैं तो यही बोलूँगा, ओके। और बाकी आपको एड्रेस में जो भी कुछ आता है हमको कमेंट करिए, बताइए, कोई कन्फ्यूज़न होता है तो। हे गाइस, हम लोग त्रिभुवन आईटी कॉम्प्लेक्स हो गया, ये 6ठा ख़त्म, ओके। अब हम लोग को जाना है सक्सेस लीडर में, लेकिन वो है यहाँ से लगभग 1.5-2 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ऑलरेडी मैं बहुत ज़्यादा चल चुका हूँ, समझ रहे हैं बात को, तो मैं चाह रहा हूँ ना कि ऑटो ले लेता हूँ, ओके। तो इधर मैं देख रहे हैं ना, खुला हुआ रोड है, इधर उस तरफ जा करके मैं ऑटो लूँगा, तो चलिए लेते हैं, और क्या। दोस्तों यहाँ पर एक बैंक ऑफ इंडिया है, ठीक है, यहीं पर एक मोड़ है, डॉक्टर AP सिन्हा का भी होटल है, क्या होटल
राज निर्मल है, वंदना पैलेस, ठीक है। यहाँ पर एक है और यहाँ पर लिखा हो आई लव खगौल, सेल्फी पॉइंट है। तो यहीं पे बता रहा है, देखते हैं आगे बढ़ करके। तो ये सक्सेस लीडर सेंटर गाइस यहीं पे था, क्योंकि यहाँ पर होटल राज निर्मल अब बन गया है, ठीक है। तो वो सेंटर हट गया है, और अगर आपको रेंट लेना तो फॉर रेंट टू लेट यहाँ लिखा हुआ, आगे बात करिए आपको रेंट मिल जाएगा, समझ रहे हैं बात को। वंदना पैलेस देख यही है, और सक्सेस लीडर यहीं पे था, समझ रहे, जो काला वाला बोर्ड है ना टांगा हुआ, पहले बोर्ड नहीं था। ओके, इस सामने देखिए बैंक ऑफ इंडिया है। ओके, मैं पता नहीं किधर किधर भटक रहा था। तो यही था लास्ट डेस्टिनेशन हमारा, समझ रहे हैं। सो गाइस, तो मैं अपना चैलेंज पूरा कर दिया हूँ, ठीक है। सातों के सात सेंटर मैं देख लिया हूँ। लास्ट में तो क्या बोलते हैं, ये जो सक्सेस लीडर सेंटर है वो तो है ही नहीं, हट गया। तो वो शिफ्ट सेंटर होते हैं, तो कोई बड़ी बात नहीं है, कभी कभार होते रहता है, सिर्फ कोई प्रॉब्लम आ गई, टूलेट रहता है ना, प्राइवेट ये सेंटर्स रहती हैं तो इधर से उधर होते रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जहाँ जहाँ जाना था मैं वहाँ वहाँ पहुँच के आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये सारा जो हम लोग के किस्मत को बनाता है सेंटर्स वाले, कभी कभी बिगाड़ता भी है, घुसने नहीं देता है। तो देख लिए पूरी तरह से कि पटना जंक्शन से कैसे आना है, समझे। तो पटना जंक्शन कहे तो मेन पॉइंट है, मेन सेंटर है, यहाँ से अगर बता दिया, समझो कि बता दिया। मैं चलता हूँ अब, समझ रहे हैं ना गाइस। प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को पूरा देखे हो ना, देखो तो थोड़ा शेयर कर दो यार।